धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। लिस्ट कंप्लीट करना आज कुछ। जनक नंदिनी जानकी माँ सीता मिथिला की बेटी थी। 90% उत्तर बिहार का क्षेत्र मिथिला का है। अनेकों ऋषि महर्षि वहाँ पर पैदा हुए। सांख्यिकी और मीमांसा भी वहीं की देन है। मिथिला कृषि शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराता रहा है। आज वह विपन्नता के दौर में है। चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल, खाद मिल, सूत, खादी भंडार, सिल्क मिल जैसे सैकड़ों रोजगार उद्योग आज की तारीख में बंद हो चुके हैं। बाढ़, सुखाड़, विपदाओं ने मिथिला को पिछले और बैकवर्ड स्तर पर ले जा कर चुकी है। बाढ़ की समस्या का कोई स्थायी निदान सरकार के पास नहीं है। पलायन यहाँ की मजबूरी बन चुकी है। राज्य सरकार मिथिला के विकास के लिए कुछ नहीं कर रही है। केंद्र सरकार प्रायोजित योजनाओं का लाभ भी दूसरे दर्जे पर मिथिला को मिल रहा है। मिथिला की भाषा संस्कृति के संरक्षण प्रचार हेतु भी कोई प्रभावशाली योजना सरकार के पास नहीं है। मिथिला की जनता कई सालों से अपने विकास हेतु मिथिला राज्य की मांग कर रही है, जो भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर संवैधानिक रूप से न्याय संगत है। अतः सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि सरकार मिथिला के विकास के लिए अतिशीघ्र मिथिला राज्य के निर्माण पर विचार करे। बहुत बहुत धन्यवाद।